थोड़ा सा। उसके बाद हमें क्या करना है, साबुत लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च चार पांच ले लेते हैं। उसके बाद गार्लिक हम ले लेते हैं पांच क्लोव। उसके बाद थोड़ा सा चॉप किया हुआ ऑनियन डाल देते हैं और एक टमाटर डाल देते हैं और उसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर देते हैं। ये हल्का सा हमारा बॉईल होते जा रहे हैं, अच्छा से बॉईल हो जाएगा, पानी सूख जाएगा तो हम। चलो ये तैयार हो गया। स्वाद के हिसाब से हमें नमक थोड़ा सा डाल दीजिए और दो टेबल स्पून रोस्टेड मूंगफली और उसके बाद उसको थोड़ी सी दो मिनट बस पानी थोड़ा सूख जाए हमें उसको बंद कर देंगे। मैक्सिमम एक हो गया इतना थोड़ा सा हमें क्या है ना, इसलिए मूंगफली डालते हैं उसको थोड़ा जो पानी पानी उसका छोड़ देता है उसका थिकनेस आ जाता है और थिकनेस आने के बाद वो जो टमाटर और मिर्ची का जो लहसुन का जो चटनी है उसमें स्वाद भी आ जाता है। चलो ये हमारा तैयार हो गया, अभी उसको हम ठंडा के लिए रख देंगे और पीसेंगे। चलो ये ठंडा हो गया, अभी उसको हम ग्राइंडिंग कर देते हैं। हमारा मोमो का चटनी अभी तैयार हो गया है, ये अच्छा से ग्राइंडिंग हो गया। अभी उसको हम, नमक कम है तो नमक थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, अभी ऐसे ही ठीक है।